A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your BST teacher. Today we'll be studying about e-recruitment, chapter 3 from staff recruitment. In this e-recruitment, हम लोग को सिर्फ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ये जिसको पढ़ना है हमें. e-recruitment क्या होता है, मीनिंग, इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंट्रानेट और इंटरनेट. ओके, तो e-recruitment एक सिंपल से चीज बोली गई है इसमें कि रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जब भी एम्प्लॉयज को हम लोग रिक्रूट करते हैं या उनको ढूंढ के निकालते हैं उनको जॉब देने के लिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ऑब्वियसली थ्रू इंटरनेट, ठीक, तो वो हम लोग का ई रिक्रूटमेंट कहलाता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस फॉर कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग देम टू ऑफर फॉर सिलेक्शन. की हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ पीपल जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, हम उनका एक डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं, ऑफर करते हैं फॉर सिलेक्शन. यू कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव अप्लाइड हियर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं. तो दिस इज नोन एज ई रिक्रूटमेंट. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स इट्स बेनिफिट्स. अब बेनिफिट्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एडवांटेजेस. ये सारी चीजें क्लास 12 ISC के कोर्स में है, ठीक है. ई रिक्रूटमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट. सबसे पहले दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ ई रिक्रूटमेंट पर कैंडिडेट इज लो. हमें दर दर जाकर के जो कंपनी है उसको एक एक एम्प्लॉय को या एक एक कैंडिडेट को पकड़ पकड़ करके ला करके कि आइए मेरी कंपनी में आकर के अप्लाई करिए जॉब के लिए, उसकी जो कॉस्ट है वो नहीं पड़ती है उन्हें. क्यों? क्योंकि वो एक बार में वेकेंसी निकालते हैं और उसके बाद उनको इजिली पीपल मिल जाते हैं. देन नेक्स्ट इज लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के लिए पहले एडवर्टीजमेंट देना, पेपर में छपवाना, या जो भी आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स करे थे, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, एम्प्लॉय रेफरल्स हो गया, तो ये सारी चीजें ना करके हम सिर्फ ई रिक्रूटमेंट करते हैं जिससे हमें समय भी बहुत कम लगता है. पीपल विद डिजायर्ड क्वालिटीज कैन बी रिक्रूटेड, क्योंकि हमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल मिल सकते हैं थ्रू इंटरनेट. द वर्ल्ड इज यूजिंग इंटरनेट, तो इसीलिए वहां पर जो वेराइटी ऑफ पीपल है वो भी बहुत ज्यादा होती है. द प्रोसेस ऑफ ई रिक्रूटमेंट बिकम्स मोर एफिशियंट. और प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा एफिशियंट हो जाता है. वाई? बिकॉज आपको जो आपका फ्रूटफुल रिजल्ट है वो मिल जाता है. देन अब इसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं. एम्प्लॉयर या जॉब सीकर जो है उन दोनों के पास ही इंट्रानेट या फिर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए. बोथ मस्ट नो हाउ टू यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन्स दोनों को पता होना चाहिए. कई ऐसे हैं जिनको ईमेल करना नहीं आता होगा, कई ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की वेबसाइट ढूंढना नहीं आता होगा, या इंटरनेट इवन यूज नहीं करना आता होगा. मतलब देयर कुड बी सम पीपल, या उनके पास फैसिलिटी नहीं है अच्छे फोन की, या अप्लाई करने की, या मीन्स नहीं है, या पता नहीं है. तो दिस कुड बी द रीजन. मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड इन क्रिएटिंग वेबसाइट्स. वेबसाइट क्रिएट करने के लिए भी समय लगता है, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हर्डल. या जॉब पोर्टल्स क्रिएट करने के लिए भी जॉब का जो उसमें पार्ट होता है उसको भी क्रिएट करने में समय लगता है. देन देयर इज लैक ऑफ ह्यूमन टच. तो पीपल एक दूसरे को जानते नहीं है, दे जस्ट हैव सीन अ वेकेंसी, दे जस्ट गो एंड अप्लाई, ठीक है. तो यहाँ पर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं है. हम किसी कोई भी आकर के अप्लाई कर दे रहा है एंड वी डोंट नो इवन अंटिल वी मीट, हमें पता ही नहीं होता है कि वो पर्सन कैसा है. अब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ई रिक्रूटमेंट कौन से होते हैं? दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, इंटरनेट एंड इंट्रानेट. देखो इंटरनेट इज द नेटवर्क, ठीक है, ये इसमें आ जाता है. और यहाँ पर आ जाएगा कंपनीज ओन नेटवर्क. इंटरनेट नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड यूज करता है उसकी बात होती है, और यहाँ पर हो जाएगा कंपनी का ओन नेटवर्क जो होता है, दैट इज नोन एज इंट्रानेट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है. ये दो मेन सोर्सेज होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में. अब देखो इंटरनेट में क्या लिखा है, कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो इंटरनेट को एज अ मीडियम बनाते हैं एज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. वो अपनी जो जॉब है वेकेंसी उसको एडवर्टीज करते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है. और उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पर वो जॉब को देख करके जॉब सीकर्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन और बायोडाटा सेंड करते हैं, सीवी सेंड करते हैं थ्रू ईमेल. जैसे यहाँ पर आई शो यू वन एग्जांपल, ये ठीक है. यहाँ पर दिस इज एग्जांपल ऑफ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दैट इज इन ग्रेटर नोएडा. तो यहाँ पर this school will has given this application in their in this vacancy in their own, वैसे ये शायद ओल्ड है मुझे पता नहीं, इसमें डेट वेट लिखी नहीं है, ढूंढ के निकाला था बस मैंने. तो
यहाँ पर क्या होता है कि देखो टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, कंपनी ने अपना एडवर्टीजमेंट दिया या टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में दिया या उनकी वेबसाइट पर जाकर के दिया, तो उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से उनकी वेबसाइट पे और अपनी खुद की वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट दिया, और उसमें क्या लिखा है कि जो भी पर्सन है वो ईमेल आईडी पर मुझे भेज दे अपना कवर लेटर, मीन्स एप्लीकेशन लेटर, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंपनी की खुद की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। तो जब आप इंटरनेट का सहारा ले रहे हो अप्लाई करने के लिए, दैट इज नोन एज इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ ई रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटली कैंडिडेट क्या कर सकता है, वो अपनी सीवी जो है इंटरनेट पे प्लेस कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, naukri.com है और कौन है, इंडीड है, तो वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपनी सीवीज डाल देते हैं। एम्प्लॉयर जिनके पास जॉब वैकेंसी होती है वो इसी डेटा को यूज करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्रूटर जो है वो डिटेल्स को स्कैन कर सकता है, मतलब इन द सेंस कि अपने पास फिल्टर करके रख सकता है उसको जो भी चाहिए, और एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से इन द सेंस फिल्टर करके कितनों ने अप्लाई किया है, कौन किस जॉब के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, और उसके बाद जॉब पोर्टल, टू मेक द जॉब पोर्टल इजी फॉर जॉब सीकर्स, और वो अपना एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम उस पर रख दे, सो दैट जो कंपनीज है वो भी, जो कैंडिडेट्स है वो भी इजिली उसमें अप्लाई कर सके। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो हमने अभी आपको दिया था, जिसमें इंटरनेट का यूज हो रहा है ईमेल करने के लिए भी या फिर कंपनी की खुद की वेबसाइट को यूज करने के लिए, दैट इज नोन एज इंटरनेट। अब उसके कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है। यूजिंग द इंटरनेट फॉर रिक्रूटिंग, इट कैन लीड टू, पैसा बचता है बहुत ज्यादा, ह्यूज बजट सेविंग्स होती हैं। फिर लार्ज कलेक्शन ऑफ रिज्यूमेस, दीज कैन बी फिल्टर्ड आउट यूजिंग कीबोर्ड्स। आप फिल्टर करते हो, जैसे आप शॉपिंग कर रहे हो कोई भी, तो आपने सॉर्ट बाय हाई टू लो किया, फिल्टर किया इस प्राइस से इस प्राइस तक हमको सामान चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी जो सम चीजें हैं वो फिल्टर आउट हो सकती हैं। कैंडिडेट्स दैट मैच दीज कीवर्ड्स, उनके पास ज्यादा चांसेस होते हैं टू बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। देन फैसिलिटीज एट द रिक्रूट, इट फैसिलिटेट्स रिक्रूटमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ पीपल, हमें सही सही तरह के लोग सही स्किल्स के साथ मिल जाते हैं। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, इन द सेंस कि जिस काम के लिए, जिस रिजल्ट के लिए हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो रिजल्ट फाइनली मिल जाता है हमें, वो जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। देन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू वीड आउट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट जो क्वालिफाइड नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको ऑलरेडी वीड आउट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है थ्रू फिल्टर्स। देन अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, स्क्रीनिंग एंड चेक करना ऑथेंसिटी ऑफ मिलियंस ऑफ रेज्यूमे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। वही चीज हमने बताई कि वहां पर वो पर्सन अप्लाई कर रहा है, हाउ इज दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ नेचर कैरेक्टर, वेदर ही विल बी एबल टू डू द जॉब और नॉट। लिखा तो उसने बहुत कुछ है अपनी सीवी, बट एक्चुअली जब आप उस पर्सन से मिलते हो तब आपको पता चलता है, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, पैसा बचता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ओल्ड जनरेशन जो है समटाइम्स गेट फिल्टर्ड आउट, और जो ओल्ड जनरेशन है या तो वो इसलिए फिल्टर आउट कर दी जाती है कि दे आर कंसिडर्ड एज लेस एंथुजियास्टिक, या फिर फॉर एनी रीजन की जो एम्प्लॉयर है वो करंट पीपल को प्रेफर कर रहा है ड्यू टू स्किल्स या लीडिंग टू लॉस टू अ वैल्यूएबल टैलेंट, कि कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो वो समझते हैं कि यंग पीपल के अंदर है, उसी के कारण वो क्या करते हैं, पीपल कैन बी स्क्रीन आउट। देन नेक्स्ट इज लो इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड नो एक्सेस और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट, कहीं जगह पर इंडिया के इंटरनेट इज स्टिल बीइंग यूज्ड लेसर, तो वहां पर, वहां तक या वहां के टैलेंट को लेकर के आना इज वेरी डिफिकल्ट। ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकती हैं, दे कैन नॉट बी सोली, अकेले वो डिपेंड नहीं हो सकती हैं सिर्फ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में। समटाइम्स दे हैव टू टेक द, जैसे हमने अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स के बारे में पढ़ा था, जो खुद आते हैं बिना किसी बुलाए अपनी सीवी दे करके चले जाते हैं, या हमने कोई एडवर्टीजमेंट की है बाहर कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं पर, तो वो भी मेथड हमें अपनाना पड़ता है।
एंड इट इज नॉट एज सेफ एज कम्पेयर टू इंटरनेट. इंटरनेट के कंपेरिजन में ये कम सेफ है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका डेटा सब जगह पर अवेलेबल होता है. देन कम्स इंटरनेट. अब इंटरनेट का मतलब समझो, दो चीजें इसमें दी गई हैं. एक था कि जो पर्सन है वो किसी और इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट से उठा करके डेटा ले ले रहा है, जो रिक्रूटर है. यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट या तो उसकी खुद की वेबसाइट से होता है या वो एक स्पेशल जॉब पोर्टल या जॉब वेबसाइट बना देता है, ठीक है. अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, ये तो हमने पढ़ लिया, दिस वॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है. फ्लिपकार्ट का मैंने एग्जाम्पल लिया है. फ्लिपकार्ट की देखो, फ्लिपकार्ट careers.com के नाम से एक अलग वेबसाइट है, ठीक है, ये मुझे भी आज ही पता चला है. तो ये जो वेबसाइट है ये हुई उस कंपनी की अपनी स्पेशलाइज्ड वेबसाइट, जिसमें सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड चीजें होती हैं, रिलेटेड टू जॉब्स एंड ऑल. और दूसरा इसी का ही ऑप्शन है, दिस आई हैव टेकन ऑफ अंबालिका इंस्टीट्यूट, कहाँ गया उसका नाम, हाँ, अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे एक स्पेशल पोर्टल बना हुआ है, करियर्स पोर्टल. इसी को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. जब आप 12th के बाद कभी भी बाहर जाओगे आप पढ़ने के लिए, यू विल बी नीडिंग कॉलेजेस टू स्टडी. तो ये आपके लिए मतलब इंक्वायरी वाला नहीं है, ये जॉब वाला है, जहां पर करियर्स वाला दिया हुआ है. ये हो गया आपका जॉब पोर्टल जो उनकी वेबसाइट पर होता है, और ये हो गया उनकी स्पेशलाइज्ड वेबसाइट जो सिर्फ जॉब्स के लिए ही बनी होती है, ठीक है. तो ये होता है पार्ट ऑफ इंट्रानेट, जो इंटरनेट से अलग होता है. इंटरनेट पे हम दूसरे की वेबसाइट पर अपना एडवर्टीजमेंट डालते हैं, और यहाँ पर मेरी खुद की वेबसाइट है, थ्रू इट्स ओन वेबसाइट ना, या फिर थ्रू स्पेशलाइज जॉब पोर्टल्स. ओके, रेज्यूमे स्कैनर्स होते हैं जिनको हम वहां पर मतलब कुछ फिल्टर्स लगा देते हैं जिससे अनसूटेबल अनवांटेड कैंडिडेट्स को हटा दिया जाता है. ये जो जॉब पोर्टल्स हैं ये 24/7 ऑपरेट करते हैं, मतलब आप उसमें रात में 2 बजे भी अप्लाई कर सकते हो फॉर जॉब. और जो ये रिक्रूटर है, रिक्रूटर, हाँ, जो पर्सन है जो रिक्रूट कर रहा है एम्प्लॉयर, वो रात के 2 बजे भी चाहे तो यूज कर सकता है उसको डेटा निकालने के लिए. जब भी वैकेंसीज आती है, एम्प्लॉयर कैन टैप दिस लार्ज डेटाबेस, जो भी हम लोग उसकी वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करते हैं, और इनकेस एम्प्लॉयर को पता, एम्प्लॉयर के पास कोई वैकेंसी आती है तो उस टाइम पर वो अपने उसी भरमार डेटाबेस से समान मतलब डिटेल्स को निकाल सकता है. अब उसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए इंटरनेट के, इंटरनेट समझ करो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको समझ सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं. जो उसका डेटाबेस है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉर्मल पीपल है वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब सीकर्स, लेकिन जॉब प्रोवाइडर्स ही वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ये क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड है तो हम इसको सेफ कंसिडर करते हैं. इट हैज अ फायरवॉल सराउंडिंग द सिस्टम कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर जो है उस नेटवर्क तक नहीं जा सकता या उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है. ये जो इंटरनेट है इट हैज अ सिंपल यूजर इंटरफेस. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये करना वो करना वहां जाना, आप वेबसाइट पे जाओगे आपको सीधे सीधे साफ साफ नजर आएगा कि हाँ करियर्स पोर्टल उसमें दिया होता है. तो इट इनेबल एम्प्लॉयज टू स्टे इन द लूप एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहीं पर ही उनको मिल जाती है. इट कैन ऑटोमेटिकली स्कोर इन शॉर्टलिस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स. कंपनीज इनको बहुत ही इजिली शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं थ्रू फिल्टर्स. इट अलाउज अ क्रिएशन ऑफ फीचर रिच जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स, मतलब इसमें ऑप्शंस भी आते होंगे जहां पर आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन फॉर्म्स भी बना सकते हो. विच डायनामिकली पुल आउट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं. एंड इट अलाउ एप्लीकेंट्स टू अपलोड देयर रिज्यूमेस एंड कवर लेटर्स ऑल्सो. कुछ कुछ ऐसे भी करियर पोर्टल्स होते हैं जिसमें आप अपनी सीवीज भी अपडेट अपलोड कर सकते हो, ठीक है. अब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके हो गए. डेटा इट सर्कुलेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू लिमिटेड ऑप्शंस, मतलब वहां पर क्या होता है कि सिर्फ हमने एक जगह अप्लाई किया तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास ही मेरा डेटा है, बहुत जगह पर सर्कुलेट नहीं हुआ है. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, मतलब बहुत ही लिमिटेड
ऑप्शंस रहते हैं. द इंटरनेट इज क्वाइट फ्रेजाइल एंड द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑन इंटरनेट इज हायर, क्योंकि वो इजिली, अब जो एम्प्लॉई या ऑर्गेनाइजेशन के पीपल है वहां तक तो एटलीस्ट डेटा जा रहा है ना. हाउ दे आर, हाउ सेफ इज माई डेटा, आई ऑल्सो डोंट नो. नकली वेबसाइट्स भी इवन बना दी जाती हैं. आप एक ही नाम से देखो कि चार वेबसाइट्स मिल जाएंगे, तो इट्स नॉट सेफ समटाइम्स. देन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मेथड जो है वो फुली एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. अगेन द सेम थिंग कि समटाइम्स हमें ऑफलाइन रिक्रूटमेंट का भी सहारा लेना पड़ता है. जो रिमोट वर्कर्स होते हैं, रिटेल वर्कर्स, नर्सेज, वेयर हाउस स्टाफ, ट्रक ड्राइवर्स, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो इंटरनेट को यूज करें. जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, समटाइम्स नॉट ईच काइंड ऑफ पीपल इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट और दे डोंट यूज. हर कोई, अभी देखो मैं अगेन आई एम सेइंग माय ओन एग्जांपल, मुझे भी नहीं पता था कि ये वाली एक वेबसाइट बनी हुई है, ये जो फ्लिपकार्ट करियर्स की वेबसाइट है. तो ऐसे ही एवरी पर्सन डज नॉट नो और एवरी पर्सन इज नॉट अवेयर कि वो उसके पास ऐसे सोर्सेस भी हैं कि जिससे वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड इंडिया में एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज अभी भी फेस टू फेस इंटरेक्शन ही प्रेफर करते हैं. ओके, तो देयर आर मेनी कंपनीज जहां पर इन केस यू विल अप्लाई, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मेल्स चेक करते हो. यू नीड टू गो इन पर्सन टू अप्लाई टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस वॉज ऑल अबाउट ई रिक्रूटमेंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. कुछ नहीं समझ आया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.